होली के मौके पर डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध, शराबियों पर रहेगी पुलिस की पैनी नजर। बसंत उत्सव यानी होली एवं सवे बारात के मद्देनजर धनबाद में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के उपायुक्त संदीप सिंह एवं एसएसपी संजीव कुमार समेत जिले के सभी पुलिस एवं प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद रहे। शांति समिति के सदस्यों ने शांतिपूर्ण तरीके से होली व सवे बारात मनाने को लेकर जिला प्रशासन को हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। साथ ही स्थानीय समस्याएं जैसे सड़क पर उड़ने वाले धूनकर, हाईवा की बेलगाम तेज रफ्तार, अलग अलग क्षेत्रों में पेयजल की समस्या, बिजली कटौती, शराब पीकर छेड़खाने एवं छींटाकसी की घटनाएं, अघोषित बार बार जिले में बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं के प्रति जिला प्रशासन को आगाह किया। वहीं सरकारी अस्पतालों में फास्टर एवं जीवन रक्षक दवाओं के नहीं होने एवं उसकी वजह से सड़क दुर्घटनाओं में घायल को समुचित इलाज नहीं मिलने का भी मुद्दा उठाया गया। वहीं मीडिया से बात करते हुए एसएसपी एवं उपायुक्त ने बताया कि होली के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती रहेगी। अवैध शराब के धंधेबाजों पर नकेल कसने का काम शुरू कर दिया गया है। ड्राई डे होने की वजह से किसी को भी सड़क पर शराब पीकर हुड़दंग करने की इजाजत नहीं होगी। डीजे पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। अनावश्यक रूप से लोगों को परेशान नहीं करने, जबरन रंग नहीं डालने का निर्देश जारी किया गया है। वैसे लोग जो विधि व्यवस्था में खलल उत्पन्न करेंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। जिले में शांतिपूर्ण तरीके से होली संपन्न हो इसके लिए तमाम मुकम्मल व्यवस्था किए जा रहे हैं। लोगों ने शांति समिति की बैठक की जिला शांति समिति के सदस्यों के साथ, और जिले के जो तमाम प्रशासनिक और पुलिस पदाधिकारी हैं वो लोग भी थे। उनके द्वारा कई समस्याएं को बताया गया है, और जो जिले में विभिन्न थानों में जो शांति समिति की बैठक हुई है उसमें भी कई समस्याएं आई हैं। उन समस्याओं का हम लोग निराकरण करने का प्रयास कर रहे हैं, और पुलिस की जो बंदोबस्ती है उसको लेकर के भी हम लोगों ने एक प्रॉपर प्लान आउट किया है। होली के पहले जो हमारा प्री प्लानिंग होता है वो भी हम लोग थाना प्रभारी के साथ कर चुके हैं, जिसमें विभिन्न जो निरोधात्मक कार्रवाई है वैसे लोगों पर जो लोग विधि व्यवस्था पर कुछ असर डाल सकते हैं तो उनका हम लोग लिस्ट बना करके उनके ऊपर निरोधात्मक कार्रवाई भी कर रहे हैं। और बस ये मैं आप लोगों को कहूँगा कि हम लोग पूरी तरह से सजग हैं और हमारी बंदोबस्ती भी पूरी तरह से रहेगी और शांति व्यवस्था के साथ पूरा होली हम लोग होली और शबे बारात में। डीजे पर संपूर्ण लोग से बैन लगाया जाएगा सर इस बार? जी हाँ, डीजे का उपयोग क्योंकि खासकर वो लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से भी मेनेस है, और कई बार उससे जो उसका असर होता है वो हमारे विधि व्यवस्था पर भी पड़ता है। तो ऐसे में होली पर जो डीजे का को पूरी तरह से प्रतिबंध किया गया है तो उस पर भी हम लोग सजग रहेंगे। सोशल मीडिया पर अलग से हमारी एक टीम है जो कि काम कर रही है, खासकर ऐसे जो विभिन्न र्यूमर मॉन्गरिंग करते हैं, खासकर गलत इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाते हैं, हर किसी प्रकार का कोई भी ऐसा जिसमें विद्वेष की भावना हो उस हिसाब से भी अगर कोई लोग उसको उपयोग करेंगे तो वैसे लोगों पर नज़र है, उनके ऊपर हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। समस्याएं आई हुई विभिन्न तरह की समस्याएं आई लोगों के पास से, उसको कैसे देखें? हम लोग सभी समस्याओं को प्रॉपरली नोट डाउन किए हैं, हमारे सभी पदाधिकारी भी यहाँ मौजूद थे, उनको उसी हिसाब से निर्देश दिया गया है ताकि उन समस्याओं को निराकरण हम लोग कर पाएँ। मुद्दे पर बात हुई आप लोगों से होली और सुबरात के लेकर? देखिए होली के त्यौहार 8 तारीख को पड़ रही है और 7 तारीख को हम लोग सभी बारात हैं, तो उसको लेकर के जिला प्रशासन के डीसी साहब, एसपी साहब मीटिंग आज रखी गई थी शांति समिति की बैठक में। बहुत सारी समस्याओं का ये हुआ कि पानी की समस्या थी, बिजली की समस्या थी, जो भी अवैध लीकर बिक रहे हैं अवैध लीकर पर रोक लगाने की बात हो रही थी, और एसएसपी साहब भी ने आश्वासन दिए कि जो भी अवैध लीकर है उस पर हम लोग पूरा पूर्ण रूप से ब्रेक लगाएंगे। दूसरी चीज़, 7 तारीख के दिन रात में जो भी मुस्लिम समुदाय के लोग कब्रिस्तान जाते हैं, मैं चाहूँगा किसी प्रकार का सामाजिक तत्व उस पर मतलब कि रंग ना फेंके, जिसके कारण माहौल बिगड़ने की चेष्टा हो। और एसएसपी साहब ने भी आश्वासन दिए हैं कि हर तरह से लॉ एंड ऑर्डर पूरी विधि व्यवस्था को हम लोग पूर्ण रूप से ढंग से देखेंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। और हम लोग भी जिला प्रशासन से ये करेंगे, जो नागिंग गैंग्स करते हैं बाइकर्स हैं उस पर कम से कम टाइगर फोर्स हर चौक चौराहे पर है, और पूर्ण रूप से मैं मांग करता हूं जिला प्रशासन से, माडा के माडा कर्मचारी से, बिजली विभाग से, जो सड़क पर हाईवे चल रहे हैं आती दुर्घटना हो रही है उससे, कि कम से कम होली के दिन हाईवा ना चले। और पूर्ण रूप से होली और शबे बारात की मैं हार्दिक बधाई शांति समिति की ओर से झारखंड वासियों को देता हूं। धन्यवाद।